कोल्हापुरात आजपासून 6व्या कोल्हापूर आंतरराष्ट्रीय चित्रपट महोत्सवाला सुरुवात होत आहे. या महोत्सवाच्या उद्घाटन समारंभासाठी कोल्हापुरात आलेले प्रसिद्ध सिनेदिग्दर्शक सुभाष घई यांनी आज सिनेरसिक आणि युवा वर्गाशी संवाद साधला. तो बहुत खुशी हुई मुझे आपके शहर में आके, कोल्हापुर में आके, और खासकर कि ये जानकर कि यहाँ पर फिल्म सोसाइटी है, मालिशी गौड़ ऑफ इंटर फिल्म सोसाइटी, जो सालों से ये प्रयत्न करते हैं कि सिनेमा को प्रोत्साहित किया जाए और हर साल कुछ फिल्में दिखाई जाए, कि सिनेमा एक मजाक नहीं है, सिनेमा एक जागरूकता का माध्यम है. फेस्टिवल किस किस्म के होते हैं, इनका क्या अर्थ है, इनका क्या फायदा है, अभी कोल्हापुर में क्यों कर रहे हैं, इतने तो होते हैं, फेस्टिवल की क्या जरूरत है, ये फिल्म सोसाइटीज की क्या जरूरत है, ये समझना अपने आप में एक नासर है. तो आपको ये बहुत जरूरी है कि बच्चों के, भारत के बच्चों के व्यक्ति निर्माण के लिए हर एजुकेशन में कला का प्रवेश होना बहुत जरूरी है. हर साल मैंने अपने आप को इन्वॉल्व किया और जानने की कोशिश की, और जानने की कोशिश की, दुनिया कहाँ है और हम कहाँ हैं, हमारे विषय कहाँ हैं, उनके विषय कहाँ हैं, पूरे देश को एकत्रित करने में, उसका एकता बनाने में, पूरे दुनिया के अंदर भारतीयों को एकत्रित करने में हिंदी सिनेमा का, मराठी सिनेमा का, डिजिटल सिनेमा का हाथ है. आज भी हमारे भारतीय संस्कृति उन लोगों के पास है जो अमेरिका में रहते हैं 50-50 साल से, फिल्मों के द्वारा अपने बच्चों को दिखाते हैं कि देखो ऐसी पूजा होती है, ऐसे हम लोग मान करते हैं अपने लोगों. कोई भी आर्ट, कोई भी कला ईश्वर की बनाई हुई सृष्टि की एक प्रति प्रतिलिपि है. जैसा समाज होता जाएगा वैसे फिल्में भी बदलती जाएंगी. फेस्टिवल क्यों होते हैं, ताकि यादगार फिल्मों को बच्चों को दिखाया जाए, उन लोगों का काम दिखाया जाए जिनका नाम विशाल कराम था, जिनका नाम गुरुदत्त था, जिनका नाम महबूब खान था, उन लोगों राज कपूर था, ताकि और हमारे मराठी के कितने बड़े बड़े डायरेक्टर्स हैं, बहुत अच्छे अच्छे डायरेक्टर्स हैं, तो उनका काम दिखाने के लिए नए बच्चों को जोड़ना बहुत आवश्यक है. इसीलिए इसकी इम्पोर्टेंस है इस फेस्टिवल की, और ये फेस्टिवल ऊपर आना चाहिए. ये आज आप और मैं दोनों प्रतिज्ञा करते हैं.